आज एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर में आज देश भर के युवाओं का और खासकर के विद्यार्थी वर्ग का प्रश्न उठना स्वाभाविक है और ये लाजमी भी है। जिस प्रकार से यूजीसी नेट परीक्षा का एक मिसमैनेजमेंट के कारण से आज कहीं न कहीं विद्यार्थी जगत से एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर के किस प्रकार से तैयारी इस देश के अंदर में होनी चाहिए थी। कहीं न कहीं जब देश भर के अंदर में लगभग छात्रों के मन में एक आशंका घर किया कि परीक्षा और प्रश्न पत्र लीक होने की घटना एक साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तब इस प्रकार की घटना से कितना ज्यादा एनटीए यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन की तैयारी के लेकर सजग है या सावधान है, इन सभी चीजों को लेकर के जिस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया, मुझे लगता है कि एनटीए के क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि एनटीए परीक्षाओं के संदर्भ में संजीदा नहीं है, परीक्षाओं के ठीक से आयोजन को लेकर के पूरी मुकम्मल तैयारी की कहीं न कहीं कमी दिखाई दे रही है। इसलिए आज केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से, भारत सरकार से विद्यार्थी परिषद का ये मांग है कि भारत की सरकार इंश्योर करे कि परीक्षा को लेकर के प्रश्न पत्र लीक होने की जो आशंका है, जो छात्रों के मन में घर कर चुका है, ऐसे सभी आशंका के समाधान के लिए और छात्रों के विश्वास बहाल करने के लिए भारत की सरकार को और भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को ठोस एनटीए के ऊपर में जांचों पर हम कार्रवाई करने की आज आवश्यकता है। और भारत सरकार पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए जो 2024 फरवरी में कानून लाई है उसको और प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है ताकि पेपर लीक जैसी घटना इस देश के अंदर में पुनरावृत्ति न हो सके। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से नेट यूजीसी परीक्षा के पूर्व जहां 24 लाख स्टूडेंट नीट यूजी के एग्जामिनेशन को लेकर के अभी उहापोह की स्थिति में है, मुझे लगता है कि सभी के सवाल एनटीए के प्रति है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से एनटीए के ऊपर सीबीआई जांच कराने की मांग की है ताकि परीक्षा के सुचितापूर्ण आयोजन इस देश के अंदर में स्थापित हो सके। हमारा डिमांड है भारत की सरकार से कि भारत की सरकार देश की परीक्षा, विविध चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे प्रवेश परीक्षा हो, सभी प्रकार की परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट हो, सभी परीक्षाओं के अंदर में किसी भी प्रकार का मिसमैनेजमेंट ना हो और छात्रों का भरोसा परीक्षा के प्रति बना रहे, इस नाते भारत की सरकार को ठोस जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश करने की आवश्यकता है ताकि इस देश के अंदर में छात्रों का जो भरोसा है, अभ्यर्थियों का जो भरोसा है परीक्षा के शुचिता के प्रति। हम सब लोग जानते हैं कि परीक्षाओं के प्रति कितनी संजीदगी के साथ में विद्यार्थी अपनी तैयारी करते हैं, कितना ज्यादा परिश्रम करने के बाद परीक्षा सेंटर पर स्टूडेंट अपने आशा और आकांक्षा के उम्मीद को लेकर के आते हैं और उम्मीद जब टूटता है तो स्वाभाविक है विद्यार्थियों के मन में आक्रोश भी होगा, दर्द भी होगा। इसलिए जिस देश का युवा और विद्यार्थियों के मन में दर्द और आक्रोश होगा शायद देश का निर्माण प्रभावित होगा, विकास प्रभावित होगा। इसलिए भारत की सरकार से, भारत के शिक्षा मंत्रालय से यह विद्यार्थी परिषद का मांग है कि देश के अंदर में हमें सेंटर के बारे में विचार करना होगा कि परीक्षाएं प्रश्न पत्र जो लीक हो रही है उसके कारण क्या है, क्या हम प्राइवेट सेंटर को देने के कारण से प्रश्न पत्र लीक हो रहा है या एनटीए के अंदर में जो ब्यूरोक्रेसी है आज वो सवाल के घेरे में है कि ब्यूरोक्रेसी के आज कहीं ना कहीं संलिप्तता के कारण से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। ऐसे कई प्रश्न आज जनभावना के अंदर में, जनमानस के अंदर में दिखाई दे रहा है। इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी जनभावना के अनुरूप जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उन प्रश्नों को आधार बनाते हुए नीट यूजी के संदर्भ में जो जिस प्रकार की खबरें आई हैं देश भर से उसके अनुरूप, जनभावना के अनुरूप भारत के शिक्षा मंत्री को कार्रवाई करना होगा ताकि अभिभावक के साथ साथ पूरे शैक्षिक जगत को परीक्षा के शुचिता और परीक्षा के एक जो सम्मान इस देश के अंदर में, उसका गौरव इस देश के अंदर में बना रहे।